आईटीआई रिजल्ट और ग्रेस मार्क यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आईटीआई का रिजल्ट और ग्रेस मार्क, इसके बारे में आज का यह वीडियो हम भी बनाने वाले हैं। दोस्तों अभी जो है यहाँ पर यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे कमेंट करते हैं कि इस साल हमें यहाँ पर ग्रेस मार्क मिलेगा, आईटीआई का रिजल्ट कब आने वाला है। हमने ऑलरेडी इसके पहले आपको बता दिया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वह कब जारी होगा, यहाँ पर ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे क्या क्या प्रोसेस है, आपको डाउनलोड कैसे करना है, जब भी आपका रिज़ल्ट जारी होगा वह रिज़ल्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, यह भी हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ग्रेस मार्क क्यों दिया जाता है और यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वह जारी होने के बाद उसको कैसे डाउनलोड करना है। और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए सबसे पहले हम ग्रेस मार्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ग्रेस मार्क वह होता है अगर आप 2-3 मार्क से अगर फेल हो रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर थ्योरी में 33 मार्क्स होना ज़रूरी है लेकिन आपको 32 मार्क्स ही यहाँ पर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आपको क्या किया जाता है, आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क देके 33 यहाँ पर मार्क्स किए जाते हैं, यानी आपको एक मार्क का ग्रेस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि इस साल यहाँ पर ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं। देखिए इसके 2-3 संभावित कारण है। क्या क्या कारण है, देखिए निमी ने सबसे पहले डीजीटी ने क्या किया है, आपको निमी के पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। क्या किए हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, यानी आपको क्या करना है, उसी पीडीएफ का पढ़ना है और वही एग्ज़ाम में आने वाला है। और महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको बताते हैं। देखिए अभी जो भी छात्र सेकेंड ईयर है और जो भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के छात्र है जो कि अभी अभी एडमिशन लिए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बात है। देखिए अभी आपको जो है आने वाले साल में सिर्फ और सिर्फ नीमी के क्वेश्चन पढ़ के जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नीमी के क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो अगले साल में बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। आपको नीमी के क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, लेकिन आपको जो है उसके साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए यह बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए आपकी जो यहाँ पर रिजल्ट की संभावित तारीख दी गई है वह है 19 अगस्त, और आपका जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वह 17 सितंबर को कॉलेज के तरफ से यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, वही भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। आपको ओरिजिनल यहाँ पर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा यह भी हम बताएंगे, और यहाँ पर आपको जो है क्या क्या रिजल्ट आने के बाद एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप जो है वेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपका रिज़ल्ट और आपका जो यहाँ पर ग्रेस मार्क है, ग्रेस मार्क तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है क्योंकि पिछले साल भी आपको जो है यहाँ पर ग्रेस मार्क नहीं दिया गया था, इसलिए इस बार भी आप उसके भरोसे अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप जो है हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप फेल ज़रूर होंगे, और आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने ठीक से नीमी के क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं तो आपको ग्रेस मार्क की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पर चैनल के माध्यम से पढ़ाई की है उन्होंने कहा गया है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वह नीमी के क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हमें अलग अर्थ है, हमें रिसर्च यह पता चला है कि अगले साल जो है यहाँ पर आपको सिर्फ नीमी के क्वेश्चन पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी आपको थ्योरी के साथ साथ पूरा जो है यहाँ पर नीमी का क्वेश्चन
बैंक जो है वह पढ़ाना और आपको अच्छे से समझा देना। यही जो है हमारा यहाँ पर कोशिश रहने वाली है। और दोस्तों तो चलिए अभी देखते हैं, देखिए आपको जो है क्या करना है। अभी आपका जो रिज़ल्ट है 19 तारीख को आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो आपको रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करना है यह हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखिए, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर NCVT MIS टाइप करके यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको जो है यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको जो है नीमी का एक लोगो दिखेगा, उसको क्लिक करके पहली वेबसाइट रहती है यहाँ पर, इस लोगो यह लोगो आपको दिखा देता है और उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज यहाँ पर खुल कर आएगा। आपको इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनी पे जाना है। यहाँ पर प्रोफाइल से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो एक तरीका है क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन पे जाना है, मार्कशीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्कशीट पे क्लिक करते हैं आपको क्या करना होता है, यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना होता है। आपका जो भी रोल नंबर है वह यहाँ पर फिलअप करना, उसके बाद क्या है आपका जो एग्ज़ाम सिस्टम है वह सर्च करना होगा। यानी देखिए यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आपका एनुअल है या सेमिस्टर है, और उसके बाद जो है आप फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है यह आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इतना ही है आपको यह आपका जो रिज़ल्ट है वह सर्च करने के लिए। हम आपको इसलिए पहले से बता रहे हैं क्योंकि आपका जो है यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला है, और अभी से और अगर आप अभी से यह सब चीज़ें जान लेते हैं तो आपको रिज़ल्ट देखने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई यहाँ पर आगे प्रॉब्लम आती है तो हम आपको टाइम टू टाइम बता देंगे। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जब तक आप अपने दोस्तों को नहीं शेयर करेंगे तब तक जो है उनको भी यह बात नहीं पता चलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।